हेडिंग भाई, थर्मल पावर प्लांट क्या होता भैया? थर्मल पावर प्लांट बताइए, इसको कहते हैं हिंदी में ताप बिजली घर, इसको हिंदी में कहा जाता है ताप विद्युत गृह। ओके भाई, देखो ये किसका फिगर भैया? ये फिगर है ताप विद्युत गृह का फिगर है। ये जो फिगर दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा फिगर ताप विद्युत गृह का फिगर है। इसको ध्यान से समझते जाइएगा, जहां भी थर्मल पावर प्लांट का यूज किया जाता है वहां पर आपकी नदी होनी चाहिए, यह पहली उसकी कंडीशन है। और थर्मल पावर प्लांट जहां बैठाया जाएगा वहां पर पॉल्यूशन या वहां पर जो आबादी वाला क्षेत्र है वह नहीं होना चाहिए, यह उसकी कंडीशन है। लेकिन क्या करवा, हमारे यहां मजबूरी है कि इलाहाबाद में यही है। बताएंगे कि इलाहाबाद में क्या ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से भाई वहां के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार और उनके बाल झड़ते हैं, उसके पानी में खराबी क्यों है, तो उसकी वजह यही इसका थर्मल पावर प्लांट और वहां से निकलने वाला कचरा। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर थर्मल पावर प्लांट है, नाम से क्या लग रहा है कि यहां क्या होता होगा? ताप यानी टेम्परेचर से बिजली बनाई जा रही है। टेम्परेचर क्रिएट कैसे होगा, टेम्परेचर उत्पन्न कैसे किया जाएगा, टेम्परेचर को कैसे बढ़ाया जाएगा? तो कोयले का दहन करा करके, कोयले को जब जलाया जाएगा तो कोयले के जलने पर क्या होगा भैया, आपको क्या होगी, ऊष्मा मिलेगी। तो इसमें आपका नदी का क्या क्या रोल है, नदी का रोल क्या होता है आपका? तो नदी होगा, तो नदी जब आपका पास से गुजरेगी तो उससे पानी हम लेंगे। पानी क्यों लेंगे? पानी इसलिए लेंगे ताकि उस पानी को हम टेम्परेचर दें, और जब पानी को टेम्परेचर दे तो वो पानी भाप में बदल सके, और भाप जो है वो टरबाइन पे दी जा सके, जिससे भाप की ऊर्जा को हम क्या कर सके, आपका मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन में कन्वर्ट कर सके, और वही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटर से कन्वर्ट करा करके बिजली को पैदा कर सके। इसीलिए आपका क्या भैया, थर्मल पावर प्लांट का यूज किया जाता है। एक लाइन की बात एकदम। तो आपको यह तो पता चल गया कि क्यों जल चाहिए, जल इसलिए चाहिए कि पानी क्या हो सके, भाप में बदल सके। पहली चीज आपका पानी जो है, आपका पानी को भाप में बदलने के लिए, भाप के लिए क्यों बदलेंगे भैया? तो भाप में इसलिए बदलेंगे ताकि टरबाइन की ब्लेड को घुमा सके। जब भाप बड़ी उच्च तीव्रता के साथ पड़ेगा, फोर्स के साथ पड़ेगा ब्लेड पे, तो ब्लेड को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। जब ब्लेड रोटेट करेगी तो उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और टर्बाइन पे जब वही मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहां देखिएगा, यहां आपका सबसे पहले है एक सर्कुलेटिंग वाटर पंप, दिख रहा है आपको? सर्कुलेटिंग वाटर पंप क्या करता है, तो सर्कुलेटिंग वाटर पंप जो पास से गुजरने वाली नदी है, रिवर है, उससे पानी खींचता है। उससे पानी खींच करके कहां भेजेगा, तो उससे पानी खींच करके ये यहां से कंडेंसर में भेजता है, और कंडेंसर से होता हुआ पानी कहां जाता है, तो यह जाता है आपका यहां से पानी होता हुआ कंडेंस एक्सट्रैक्शन पंप में जाता है, यहां पर आता है पानी संघनित्र होकर के यहां आता है। यहीं से पानी कहां आएगा भैया, यहीं से पानी आपका होता हुआ यहां से ये पानी इस तरह से होता हुआ कहां पहुंचता है, तो ये फीड वाटर में पहुंचता है। लेकिन यहां पर क्या भैया, ये फीड वाटर में पहले जाए, इससे पहले इस पानी को गर्म किया जाता है, इस पानी को गर्म किया जाता है। किससे गर्म किया जाएगा, तो यहां एक इकोनोमाइजर लगा है। इकोनोमाइजर क्या कार्य करता है, तो इकोनोमाइजर का कार्य होता है कि जो आने वाली पानी है उस पानी को पहले क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। पानी को गर्म किया जाएगा, पानी क्यों गर्म किया जाएगा, पानी को इसलिए गर्म किया जाएगा कि जब बॉयलर में पानी अगर ठंडी पहुंचती तो उसको डायरेक्ट भाप में कन्वर्ट करना मुश्किल होता, क्योंकि अगर पानी हम डायरेक्ट कहां दे दें, क्योंकि नदी का पानी है, नदी का पानी ठंडा रहेगा भैया, अगर उस पानी को हम डायरेक्ट बॉयलर में दे देंगे तो एक तो उसके अंदर जो ठंडी ऊष्मा है उसको गर्म करने में उसकी एनर्जी चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी आपका। इसलिए उसको सबसे पहले कहां से गुजारा जाता है, उसको मितोपयोजक से होकर गुजारा जाता है, जिसको इकोनोमाइजर बोला जाता है। जब यहां से पानी सबसे पहले इस वाटर पंप से पानी जब ये खींचा जाएगा, तो पानी खींच करके यहां से डायरेक्ट भेज देगा कहां, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में क्या करेगा कि जो फीड होने वाला वाटर है, जो आने वाला जल है, उसको हीट करेगा। तो ये इकोनोमाइजर का कार्य होता है पानी को गर्म करने का। ये पानी को क्या करता है भैया, गर्म करता है। क्यों गर्म करता है, इसलिए ताकि इसको भाप में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम ऊष्मा लगानी पड़े, इसलिए ऐसा। तो यहां से कैसा वाटर आएगा भैया, तो यहां से हॉट वाटर आएगा, ऐसा भैया गर्म जल आएगा, ये हॉट वाटर आएगा भाई। तो हॉट वाटर कहां प्रवेश करेगा, तो ये हॉट वाटर यहां से बॉयलर में प्रवेश करेगा।
जब बॉयलर में पानी आएगी तो बॉयलर में पानी पहुंचने पे क्या होगा भैया बोलो, बॉयलर में पानी गर्म होगा, तो गर्म पानी है, गर्म पानी पर जब और गर्मी पड़ेगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉयलर का कार्य होता है, ये जो बॉयलर है इस बॉयलर का कार्य होता है कि जो आने वाली पानी है उस पानी को किसमें कन्वर्ट कराना, तो उस पानी को भाप में कन्वर्ट कराने का कार्य कौन करता है, तो हॉट वाटर को भाप में कौन कन्वर्ट कराता है, आपका बॉयलर कराता है। बॉयलर का कार्य समझ में आ गया कि बॉयलर का कार्य क्या भैया, तो बॉयलर का कार्य यही है कि जो ये आपका हॉट वाटर है, इस हॉट वाटर को क्या करिए भैया, ये हॉट वाटर को आपका भाप में कन्वर्ट करे कौन, बॉयलर। बॉयलर कैसे करेगा, बॉयलर में ऐसा क्या लगा हुआ भैया कि वो पानी को, जो गर्म पानी है उसको भाप में कन्वर्ट कर देगा। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है, बॉयलर में आपका सबसे पहले कोयले को अलग अलग खदानों से खोद करके क्या करते भैया, उसकी ढुलाई करते, जैसे उसको आपका ट्रेन के माध्यम से या रेलवे के माध्यम से या किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपका उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां पर आपका बिजली पैदा हो रही है। वहां पर जब कोयला पहुंचेगा तो कोयले का स्टॉक होता है, कोयले को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि भैया आज आपको बिजली पैदा करना है तो अभी आया ट्रेन, ट्रेन आया पूरा कोयला उतरा फिर आपकी बिजली पैदा हो रही है, ऐसा नहीं होता। 15 दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाता है, 15 दिन का स्टोरेज रखा जाता है कोयले का 15 दिन का स्टोरेज रखा जाता है। इससे रखा जाता है आपका कि कभी आपका ऐसा ना हो कि हमें बिजली का विकट स्थितियों का सामना करना पड़ा। हो सकता है कहीं की पटरी गायब हुए, पटरी बनने में एक दिन लग गया, भैया क्या होगा, आने वाली जो आपकी सप्लाई है कोयले की वो बाधित हो गई। अब कोयले की सप्लाई बाधित होगी तो हमारा जो है भैया वो बिजली भी क्या है, पैदा होना बाधित हो गया, तो पूरे यहाँ गांव की या पूरे शहर की लाइट क्या हो गई, गुल हो गई, होगा ना भैया ऐसा। हमारे कोरोना टाइम में यही संकट आया था ना, कोरोना टाइम में क्या हुआ, ट्रेन को तो सरकार ने बंद कर दिया। सरकार की रणनीति इतनी खराब कि वो कुछ करने से पहले सोचती नहीं है, उसने ट्रेन को बंद कर दिया, सब आगमन बंद। अब उसमें क्या होगा भैया, जब ये बात आई कहां तक भैया, बिजली विभाग के पास, बिजली विभाग को उनको लगा कि भैया हो सकता है सरकार एक दिन या दो दिन या चार दिन में खोल देगा, फिर से ट्रेन का आगमन होने लगेगा, तो हम अपना कोल्ड स्टोरेज जो है फिर से भर देंगे, उनको ऐसा लगा। लेकिन हुआ क्या, उस कंडीशन में कोल्ड स्टोरेज की समाप्ति होने लगी धीरे धीरे, लेकिन ट्रेन नहीं चालू हुआ। फिर अपना एक पत्र वहां पर भेजा गवर्नमेंट के पास कि सर ट्रेन न चलने की वजह से हमारे यहाँ कोयले जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से क्या है भाई कि हमारे यहाँ बिजली पैदा करने में असुविधा हो रही है। ये बात जब आई सरकार के पास, तब सरकार क्या किया भैया, तब सरकार जागा, तब क्या किया भैया, तब वो ट्रेन को चालू किया। अब वो क्या हुआ भैया, उसमें एक स्थिति आ गई थी कि जब कोयले की विकट स्थिति को तो पूछा भी गया था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया भैया कि आपके पास कोयला खत्म हो गया, तो उसने सीधा सरकार को कह दिया कि भैया ट्रेन चली नहीं रही थी इस वजह से हमारे पास कोयला नहीं है। आप लोगों को उस टाइम मिला भी होगा न्यूज कि कोयले, अरे सॉरी क्या कहते हैं, बिजली की विकट स्थिति पैदा होने वाली है, बिजली जी इतने दिनों तक गायब रहेगी, इतने दिनों तक गुल रहेगी। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था कि कोरोना टाइम में अगर ट्रेन को बंद किया गया तो जो सप्लाई थी कोयले की वो बाधित हुई, और कोयले की सप्लाई बाधित होने की वजह से क्या हो गया भैया, जो आपको मिलने वाली सप्लाई थी वो सप्लाई बाधित हो रही थी। इसीलिए क्या भैया, हमारा कोल का स्टोरेज होता है, हम कोल का या स्टोरेज जो है वो 15 दिन का स्टॉक रखते हैं, 15 दिन का क्या रखते हैं भैया, कोयले का स्टॉक रखते हैं। तो कोल स्टोरेज उसी को बोला जाता है जहां पर 15 दिन की सप्लाई जो है कोयले की इकट्ठा रहती है, वही कोल स्टोरेज से भैया कोल हैंडलिंग होती है प्लांट के लिए। कोल हैंडलिंग का मतलब होता है कि कोयले को उठा करके कन्वेयर पे डाल दिया जाता है। वो कोयला क्या होता है भैया, वो कोयला का जो कन्वेयर है वो कन्वेयर घूमता रहता है, कन्वेयर घूमता हुआ उस भट्टी तक पहुंचता है, बॉयलर तक पहुंचता है, और अपने कोयले को कहां गिरा देता है, उस भट्टी में गिरा देता है। और भट्टी में भी गुजरने तक कई प्रोसेस होते हैं जहां कोयले को पीसा जाता है, ताकि अगर चूड़ वाला कोयला होगा तो बड़ी तेजी के साथ जलेगा आपका, नॉर्मल कोयला होगा उसको डाल देंगे तो काफी देर तक ऐसे ही जलता रहेगा, लेकिन चूड़ के रूप में अगर जाएगा तो वो कन्वेयर के ऊपर वो ठोस कोयला भेजा जाता है, वो ठोस कोयला आगे जाता है वो पीस देता है, पीसने के बाद वो चूड़ रूप का कोयला हो जाता है। चूड़ रूप के कोयले को क्या किया जाता है, बड़ी तेजी के साथ बॉयलर में भेजा जाता है, बॉयलर में चूड़ वाला जो कोयला होता है वो जलता है, और जब वो जलता है तो वो क्या करता है भैया, अपने द्वारा उष्मा को पैदा करता है। जब कोयला जलेगा भैया तो हीट पैदा होगी ना, उसी हीट को कहां दिया जाता है, उसी हीट को इस बॉयलर के अंदर जो पाइप है, इस बॉयलर के अंदर ये पाइप गुजारी गई होती है, इस बॉयलर के अंदर क्या गुजरा होता है, इस बॉयलर के अंदर से ये पाइप गुजरी हुई होती है, ये बॉयलर के अंदर इस तरह से क्या होता है भैया, ये पाइप गया होता है, ये बॉयलर के अंदर पाइप। इस पाइप का क्या कार्य होता है कि जो उष्मा आएगी, जो उष्मा निकलेगी, उस उष्मा से क्या होगा भैया, ये पूरा का पूरा जो पाइप है ये पाइप गर्म हो जाएगा। एक तो इस पाइप में गर्म पानी आ रहा है,
और जब पाइप गर्म होगी तो वो क्या करेगी भैया, वो गर्म पानी को भाप में कन्वर्ट कर देगी तुरंत। क्योंकि जब किसी पाइप के ऊपर, जब लोहे की पाइप है, लोहे की पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, तो जब वो गर्मी पड़ेगी लोहे के ऊपर तो लोहा इतना ज्यादा तप्त हो जाएगा कि वो अपने अंदर के पानी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, तुरंत भाप में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए भैया ये भाप अब यहां से कहां आएगी, ये भाप यहां से सुपर हीटर में आती है। नाम से ही लग रहा है सुपर हीटर, मतलब क्या कर देगा भैया, बहुत ज्यादा हीट में कन्वर्ट करेगा। नाम से क्या लग रहा है, सुपर हीटर, यानी बहुत ज्यादा हीट में कन्वर्ट करेगा। किसको हीट में कन्वर्ट करेगा, भाप को, भाप को और ज्यादा तप्त कर देगा, यानी भाप को और सुखा देगा, सूखी हुई भाप बना देगा। क्यों सूखी हुई भाप बनाएगा भैया, अगर जो भाप आ रहा है उसके अंदर अगर थोड़ी थोड़ी बूंदे भी हैं तो कोई इससे दिक्कत है क्या? जो भाप है, भाप के अंदर क्या होता है, आप लोग भाप, जैसे क्या होता है कुकर से सीटी निकलता है, भाप निकलता है ना, आप लोग ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर आपके हाथ के ऊपर क्या हो जाएगा, पानी की बूंदे हल्की हल्की इकट्ठी हो जाती है, होता है ना ऐसा। तो इसको भाप को सुपर हीट में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, कि अगर नमी वाला भाप होगा तो जब वो ब्लेड पर पड़ेगा, जब वो टर्बाइन के ब्लेड पर पड़ेगा तो ब्लेड लोहे का, लोहे के ब्लेड के ऊपर जब बूंदे पड़ेंगे तो वो उसको कोरिजन करेंगे, संचारित करेंगे। इस संचारण से बचने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसको आपका कन्वर्ट कराया जाता है किसमें, सुपर हीट में। और इसकी तीव्रता को भी बढ़ाने के लिए हम सुपर हीट में, क्योंकि नमी वाली जो चीजें होंगी उसके अंदर भार होगा भैया, वेट होगा, और वेट की वजह से क्या होगा, वो घुमा नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो इसलिए इसको किसमें कन्वर्ट किया गया, सुपर हीट में कन्वर्ट किया गया भाप को। जब यह भाप बहुत ज्यादा अति तप्त भाप में कन्वर्ट होता है तो इसी अति तप्त भाप को कहां दिया जाता है, टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर फोर्सली दिया जाता है। जब टर्बाइन का ब्लेड घूमता है तो टर्बाइन के ब्लेड के घूमने पर क्या होता है भैया, ये टर्बाइन की ब्लेड जब घूमेगी तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो जनरेटर है वो जनरेटर भी गति करेगा। जब जनरेटर गति करेगा तो वो क्या पैदा करेगा आपका, वो बिजली पैदा करेगा। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जब कोयले को जलाया जाएगा तो कोयले के जलने पर आपका उससे राख निकलती है, निकलती है, तो वो राख कहां जाएगी, वो राख की ढुलाई की जाती है। उस राख को भी क्या किया जाता है भैया, निकाला जाता बराबर, नहीं निकालोगे तो राख जमा हो जाएगा, राख जमा हो जाएगा तो वो जलने में क्या करेगा, सहायता प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगातार ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए खाली स्थान चाहिए। अब वही राख आकर के इकट्ठा हो गया तो ऑक्सीजन प्रदान मिल ही नहीं पाया, जलेगा कहां से भैया। तो वो क्या, लगातार उसकी ढुलाई की जाती है जो भी आता है, और उसकी ढुलाई करके कहां भेजते हैं, जो पास में नदी होगा नदी के किनारे ले जाके फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं ना भैया। या फिर उसका दो जगह और यूज किया जाता है, उसी को कहां भेज दिया जाता है, इसी को निकाल करके जो रोड रोड बनता है तो रोड रोड में भी इसको यूज कर दिया जाता है। इसी राख को क्या करते हैं, इसी राख को रोड बनाने में यूज कर लिया जाता है भूसी के रूप में, तो वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो भैया, अब वो वातावरण पे एक ऐसे इफेक्ट डालता है, जब कोयला जलेगा और वो भी चूड़ के रूप में जलेगा, कोयला जब चूड़ के रूप में जलेगा, जब पूरी तरह से कोयला नहीं जल पाता है तो कोयले की जो मात्रा होती है वो हल्की हल्की राख में उत्पन्न होने लगती है ना भैया। जैसे अगर ज्यादा नीचे से फैन आप दिए हो, फैन बहुत तेजी के साथ चल रहा है जो ऑक्सीजन भेज रहा है कोयले को जलने के लिए, तो जब कोयले का चूड़ बहुत तेजी के साथ आएगा वो जलेगा तो उसमें जलने के बाद जो उसकी राख की मात्रा होगी वो उड़ेगी, उड़ करके कहां जाएगी, वो यहां से फ्लू गैसेस के रूप में जाएगी। जैसे आप लोग जाते हैं ना, जब आग उग जलाते हैं तो आग उग जलती है तो उसमें क्या होता है, काला धुआं निकलता है, काले धुएं के साथ साथ क्या होता है, हल्के हल्के कण भी निकलते हैं, तो वही क्या होगा भैया, काले धुएं के साथ यही फ्लू गैस कह रहा है, यही फ्लू गैस जो है ये काले धुएं के साथ निकलता है आपका। और ये क्या है, ये बॉयलर के पास ही लगा होता है सुपर हीटर, कि बॉयलर से जब धुआं निकले तो ऊपर लगा हुआ जो सुपर हीटर है, जैसे ये पूरा बॉयलर हो गया इस तरह से, ये पूरा बॉयलर हो गया, ये ऐसे पूरा बॉयलर हो गया ये पूरा, इसमें क्या भैया, ये यहां पर पानी को किया जा रहा है, यानी पानी को भाप में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इसी के ऊपर क्या भैया, ये सुपर हीटर लगा, यहीं पे सुपर हीटर लगा हुआ है, यहां पे सुपर हीटर लगा, इसी के ऊपर क्या लगा होगा भैया, इसी के ऊपर इकोनोमाइजर लगा होगा, जो पानी वाला आ रहा है ये इकोनोमाइजर लगा होगा। तो देख रहे हो, यहां से जो आप जलाओगे कोयले को, तो कोयला जलने के बाद जो पानी आ रही है, जो यहां से पानी आ रही है बॉयलर, ये यहां पे आ रही है बॉयलर, ये यही है भैया, ये क्या है, ये वाला है इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर क्या किया, इकोनोमाइजर यहां से जो कोयला जला तो कोयले के जलने पे जो गैस निकला तो भैया उसके अंदर जलन होगी ना, वही गैस यहां से उठते हुए कहां जाएगी, वही गैस उठते हुए यहां से जाएगी ऊपर। तो ये बीच में पड़ा क्या, ये बीच में पड़ा हमारा है इकोनोमाइजर, तो इसी गैस से क्या हो गया, गर्म हो गया, तो हम इसी के एनर्जी को यूज कर लिए, दो काम कर रहा है कि नहीं, इसके बॉयलर से पानी को गर्म भी कर रहा है और इस अपने जो अंदर से निकलने वाले धुआं है, धुएं के अंदर जो ज्वलनशील
चीजें हैं उससे क्या कर रहा भैया, यहां पे आने वाली पानी को गर्म कर दे रहा है, यही कर रहा। जब ये गर्म पानी यहां से प्रवेश करेगी तो ये बॉयलर में आ रही है, बॉयलर में क्या कर रहा है, उस गर्म पानी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये भाप में कन्वर्ट कर रहा है। अब यही जो आपका भाप है, जब यही भाप यहां से गुजर रही है तो यही भाप यहां पर आई, ये सुपर हीटर में आई, सुपर हीटर में क्या हो गया, वो भाप को और अतितप्त कर दिया। तो देख रहे हैं कहां निकल रहा है, यहां से पानी आया है, पानी इन किया है, वाटर इन हुआ है, और यहां से भाप क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, और ये पूरा एक ही के अंदर हो रहा है, पता नहीं ये चीज, ये पूरी एक ही चिमनी के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है आपका। और यहां से भैया फिर क्या होगा, यहां से होते हुए यही धुआं जो है, ये एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर का कार्य होता है कि जो आपका धूल के कण आते हैं या जो कण आपका आ रहा है उस कणों को इकट्ठा करने का कार्य करता है कौन, एयर प्री हीटर आपका। और उसके बाद जो गैसें होती है वो चिमनी से कहां निकल जाती है आपका, बाहर निकल जाती है। अब यही जब उनको पूरी तरह से क्या किया जाता है भैया, उन कणों को नहीं इकट्ठा कर पाते हैं लोग, तो वही कण जो होते हैं धुएं वाले कण, वो कहां वायुमंडल में घूमने लगते हैं। जब वायुमंडल में वो विचरण करते हैं, जब वायुमंडल में घूमते हैं तो पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और यही वजह है कि जो आपका इलाहाबाद का पूरा पॉल्यूशन है वो इसी की वजह से पूरा गंदा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गैसें निकलेंगी, जो भी गैसें निकलेंगी भैया, वो गैसें कहाँ जाएंगी आपका, वो गैसें या वो जो कण है वो वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, उनको जो भी ऑक्सीजन के रूप में अंदर इंटेल करेगा भैया, तो उसको क्या भैया अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद यही पानी जो है, जब ये आपका भाप टकराएगी टरबाइन पे, जब भाप बड़ी तेजी से टरबाइन पे टकराएगी तो टरबाइन की ब्लेड को तो घुमा दी, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी तो जब कहीं भी कोई चीज टकराती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, कम जाती है। अरे भैया आप दीवार से मारते दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, एक इधर से लड़का दौड़ता दौड़ता आ रहा है, एक इधर से लड़का दौड़ता दौड़ता आ रहा है, दोनों टकरा गए, क्या भैया गति बढ़ जाए तो यार, तब कहोगे भैया गति कम हो जाएगी। तो जो भाप जब टकराता है टरबाइन के ब्लेड पर, भाप जब टरबाइन की ब्लेड पर टकराएगा तो उसकी गति कम हो जाती है, जब वही गति कम होगी यानी अपने ऊर्जा को क्षय किया, ऊर्जा को क्षय किया तो यही तुरंत यहां क्या होगा, टरबाइन की जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट होगी, यानी यहां से ये भाप यहां इंटेल करेगी, यहां भाप जब आएगी तो यहां इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर क्या करेगा, इस कंडेंसर का कार्य होता है कि जो आने वाली भाप है उस भाप को क्या करता है, कंडेंसर ठंडा करता है। ये कंडेंसर क्या करता है, ये कंडेंसर का कार्य होता है आपका कि जो आने वाली पानी है, भैया इधर ध्यान दो, जो आने वाली पानी है इसी पानी को क्या करता है, वो कंडेंसर भाप को पानी में कन्वर्ट करता है। तो यहां एक कंडेंसर लगा होता है जो यहां से जो आपका भाप आ रही है इस भाप को पानी में कन्वर्ट करेगा, और यही पानी फिर कहां भेज दिया जाएगा, यह कूलिंग टावर में भेज दिया जाएगा, और यह कूलिंग टावर से होता हुआ पानी कहां चला जाता है, फिर रिवर में चला जाता है। यह प्रोसेस होता है, जब यही पानी रिवर में जाता है तो पानी को भी क्या कर दिया, गंदा कर दिया, तो पानी भी गंदा हो गया, ऊपर का हवा भी गंदा हो गया, हवा पानी दोनों गंदा, तो क्या करेगा भैया, इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, पानी भी गंदा वो भी गंदा, उसके बाद इधर कोयला का भी निकल रहा वो अलग से आस्क स्टोरेज कर दिए, उसके बाद इतने लोग जाकर के बस गए हैं कि भैया उनकी भी गंदगी सब जा रही है वहीं पर, कचरा सब उसी नाले में जा रहा है, कहां जाएगा प्रदूषण, प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे वहां की क्या होगी, पूरा पूरा जो इन्वायरमेंट सिस्टम वो खराब होगा आपका। तो ये पूरा का पूरा थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस है, इसको आप एक एक करके अपने पावर पे लिख लीजिएगा कि कौन क्या क्या कार्य कर रहा है। सबको एक बार बता दिए हम कि यहां से क्या भैया सर्कुलेटिंग वाटर पंप है, पानी को खींचेगा, पानी को खींच के कहां भेजेगा, इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर क्या करेगा, आने वाले पानी को गर्म करेगा, गर्म जल में कन्वर्ट करेगा, गर्म जल कहां आएगा, बॉयलर में, बॉयलर में क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, इस बॉयलर के अंदर क्या भैया, ये कोल स्टोरेज है, कोयला का जहां इकट्ठा किया गया, कोयला को इकट्ठा किया गया, कोल हैंडलिंग प्लांट है जहां से कोयले को ढुलाई करके बॉयलर में भेजा जाएगा, तो कोयले को बॉयलर में भेज करके जलाएंगे कोयले को, तो कोयले से उष्मा निकलेगी, वही उष्मा जब यहां गर्म पानी के ऊपर पाइपों पर देंगे तो वही भाप में कन्वर्ट करेगा, यही भाप यहां से सुपर हीटर में आएगा, इस भाप को और हीट में कन्वर्ट कर देगा, जैसे भाप अति तप्त हो जाएगी, यहां वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को खोल बंद करके यानी इसके वैल्यू को घटा बढ़ा करके हम क्या करेंगे, भाप की तीव्रता को घटाएंगे बढ़ाएंगे आपका, ठीक। अब यही भाप जब पहुंचेगा टरबाइन के, तो टरबाइन की ब्लेड को क्या करेगा, घुमाएगा, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी तो अपनी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, यही कि यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर पर पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, कोयला जलने के बाद जो बचा वो आपका, कोयला जलने के बाद जो उसका राख बचा उस राख की ढुलाई की जाएगी, फिर उस राख को अलग अलग रूपों में क्या करेंगे, यूज करेंगे, जैसे सीमेंट को बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इसी सीमेंट वाले में, दो नंबर का सीमेंट, तीन नंबर का सीमेंट करने लगते हैं, यही चीज मिलाते हैं,
यही ले जाकर के कहां आपका रोड और बनता है उसमें ढकेल देंगे, झोंक देंगे, तो यहां यूज किया जाता है ये सब। अब इसी में क्या है, एयर प्री हीटर है, तो जो निकलने वाली गैसेस उनमें जो धूल के कण या ये सब जो है कण है आपके, सॉरी जो कोयले के कण है, उन कणों को इकट्ठा करने का कार्य करता है प्री हीटर, और फिर वायु को यानी जो आपका क्या कहते हैं जो आपका धुआं है उस धुएं को वायुमंडल में भेज देता है। तो यही पूरा का पूरा खेल है किसका आपका थर्मल पावर प्लांट का। इसमें नीचे है कंडेंसर, कंडेंसर क्या करेगा जो भाप पड़ रही है टरबाइन पे उस टरबाइन वाले भाप को पानी में कन्वर्ट करेगा, पानी में जब कन्वर्ट होगा तो वो हल्की गर्म पानी होगी, उस गर्म पानी को कूलिंग टावर में लाकर ठंडा किया जाएगा, फिर उसे कहां भेजेंगे रिवर में भेजेंगे। तो यही पूरा प्रोसेस कहां लिखेंगे थर्मल पावर प्लांट में लिखेंगे। हाँ ये वाला तो बनाए थे कि यहां से पानी इन किया, यहां से पानी इन किया, ये सुपर हीटर से आया यहां पे, सुपर हीटर से ये बॉयलर में गया, बॉयलर से निकलने के बाद ये यहां से गया कहां आपका सॉरी ये इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर है, और ये सुपर हीटर है, ये सुपर हीटर है, और ये बॉयलर है, ये तो ये सब एक ही में रहता है, जिससे जब भाप यहां से गैस निकलती है आगे जो आपका क्या कहते हैं धुएं के रूप में निकलता है आपका जो जला हुआ पदार्थ होता है, तो जब उसकी उष्मा निकलती है तो ये उष्मा इसको देता है, इसको देता है, तब बाहर निकलता है, तो ये उष्मा का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं ये सब चीजें, जिससे आपका उष्मा भैया डायरेक्ट ना चली जाए बाहर, उसका यूज कर ले हम कुछ ना कुछ, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर इकोनोमाइजर होता, फिर उसके नीचे सुपर हीटर होता, फिर आपका बॉयलर होता। ठीक, बना ला जाए के अपने से लिख लिया जाए के पॉइंट करके कॉपी में।